दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कैलाश सिंह और आप देख रहे हैं रेडी टू गाइड। दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको चिटफंड कंपनी की न्यूज़ देता हूं, पीएससी लिंडर लिमिटेड की न्यूज़ प्रोवाइड कराता हूं, सहारा इंडिया की आपको न्यूज़ मिलती है। तो ऐसे ही एक नई कंपनी की आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो जानकारी निकल कर आई है ना दोस्तों, ये एक ऐसी जानकारी है जो कि आपको बहुत ही सचेत कर सकती है, आपको बचा सकती है ऐसे बड़े फ्रॉड होने से जहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी मूर्ख बनाया जाता है। दोस्तों अभी हुआ क्या, मैं 2 दिन पहले अपने बैंक गया। अब बैंक का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति की वजह से अगर पूरा बैंक बदनाम होता है तो ऐसे में दोस्तों उस बैंक की गलती नहीं है, क्योंकि बैंक अपने कर्मचारी को ये नहीं बोलता है कि आप कोई भी गलत काम करें हमारे यहाँ पर नौकरी पर रहते हुए। पर हुआ क्या दोस्तों, मेरा बैंक खाता जिस बैंक में है मैं वहाँ पर गया और मेरा काम क्या था, मेरे को एक छोटे से लोन की ज़रूरत थी। मैं बैंक में गया और वहाँ पर एक कर्मचारी जिसे मैं पहले से जानता था, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे लोन की ज़रूरत है। तो वो कर्मचारी मेरे को बोलता है कि सर निश्चिंत रहिए, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, कितने रुपए की ज़रूरत है? तो मैंने बोला कि भाई मेरे को इतने रुपए की ज़रूरत है, इतने रुपए का मेरे को लोन चाहिए। तो भाई बैंक का कर्मचारी मेरे को बोलता है कि सर आपके लिए एक स्कीम है बहुत शानदार। मैंने कहा स्कीम है, बताइए फिर क्या स्कीम है। तो बैंक का कर्मचारी मेरे को बोलता है कि सर स्कीम ये है कि आपको जितने लोन की ज़रूरत है उसमें आप 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने कहा यार 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए, मान लो किसी को 10 लाख रुपए की जरूरत है तो उसको 15 लाख रुपए लेना होगा। बोले हाँ बिल्कुल, आप 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लीजिए। मैंने कहा भाई मैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों लूँ ये तो बताएं। बोले मैं 5 लाख रुपए आपके एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराऊंगा जहाँ पर आपको लोन की जो ईएमआई है ना उसको देने के लिए अलग से पैसों का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो ईएमआई है वो 5 लाख रुपए में से निकल जाएगी, क्योंकि वो जो 5 लाख रुपए हैं आपको 2 गुने होकर मिलेंगे। मैंने कहा यार ऐसा भी होता है क्या? बोले बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा भाई कौन सी स्कीम है बताओ तो सही, आपकी कौन सी, आपकी बैंक में ऐसी कौन सी स्कीम आ गई? बोले सर बैंक की स्कीम नहीं है, पैसा तो आप बैंक से ले लो, लोन आप बैंक से ले लो, पर पैसा आपको अलग जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आप कौन है? बोले मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो भाई उस समय मैंने उसको बोला कि ठीक है आप मेरा लोन अप्रूव कराओ, फिर मैं आपकी कंपनी में पैसा जमा करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जहाँ पर मैं चिटफंड कंपनियों के फ्रॉड के बारे में बताता हूँ। उसको ये पता नहीं था, वो अनजान था कि भाई मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी चिटफंड कंपनी या जिन लोगों का पैसा कहीं डूबा हुआ है उसी की न्यूज़ देता है। तो भाई उसने मेरे को बताया कि वो जिस कंपनी में पैसा जमा करना है, ठीक है, मैं उस कंपनी में जुड़कर काम करता हूँ, ठीक है, और मेरे को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उस कंपनी में जुड़कर काम करना चाहें, आप भी पैसा कमा सकते हैं, दुगना तिगना भी आपको मिल सकता है, इसके अलावा आपको कमीशन भी मिल सकता है। उसने मेरे को ये ऑफर दिया। तो मैंने उसको बोला कि भैया एक बात बताओ, आपकी कंपनी काम क्या करती है? बोले मेरी कंपनी जो काम करती है ना, ठीक है, वो भाई सोलार पैनल की कंपनी है। मतलब आपको पता है कि सोलर पैनल चलते हैं आजकल घरों पर, लोग लगवाते हैं, तो सोलर पैनल का काम है और इतना बड़ा काम चल रहा है, इतना तगड़ा प्रॉफिट है कि कंपनी में अगर आप एफडी या आरडी करते हैं तो आप ये मान लो भाई आपका जो पैसा है वो 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि पहले तो आप मेरे को मेरे लोन के बारे में बताएं, मेरे को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो बोलता है कि सर अभी मैनेजर्स नहीं है, जब मैनेजर आ जाएंगे तब मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, आप नंबर दे दीजिए। तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। अब जैसे ही मैं 1 घंटे के बाद अपने घर आता हूँ, उसका फ़ोन मेरे पास आ गया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। मैंने कहा किस रिगार्डिंग? बोले सर 5 लाख रुपये की एफडी कर दो, 5 की नहीं तो 4 की कर दो, 3 की कर दो, आपको विश्वास नहीं है तो 1 की कर दो। मैंने कहा भाई मुझे विश्वास नहीं है, मैं कहीं पर एफडी नहीं करता हूँ, मैं एफडी करता हूँ तो बैंकों में करता हूँ, अलग मैं नहीं करता हूँ। बोला कि सर मैं आपको, अगर आप 5 लाख रुपये जमा करेंगे तो मैं आपको अपना पर्सनल चेक काट कर दे दूंगा 5 लाख का, अगर पैसे आपके वापस नहीं होते हैं, ठीक है, तो भाई आप मेरा चेक रख लो और अगर पैसे वापस हो जाते हैं तो भाई आप मेरा चेक वापस कर देना। भाई इतना मेरे को जो है उसने कन्वेंस किया। पर आपको पता है दोस्तों कि मैं जो हूँ ऐसी किसी जो है फालतू की बात में आने वाला नहीं था। तो भाई मैंने उसको बोल दिया कि भाई सबसे पहले मुझे ज़रूरत है पैसों की, मेरे को लोन लेना है और आपका जो स्टेप बनाए वो मैं बाद में देखूंगा। तो दोस्तों जो उसने मुझे ऑफर दिया था कि आप एफडी मतलब आप जो है पैसे निकालो लोन के रूप में और उस पैसे को हमारे कंपनी में जमा करो, ऐसी ही खबर 2 दिन के बाद पब्लिक में आ गई। खबर क्या थी दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख लें, खबर ये निकल कर आई कि चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले यूपी समेत कई राज्यों में फैला नेटवर्क। अब दोस्तों चिटफंड कंपनी जिस कंपनी की वो बात कर रहा था ना, अब मेरे को उसने कंपनी का नाम तो नहीं बताया, कंपनी ये थी या कोई और थी ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूंगा। तो आप यहाँ पर लोन ले लो और लोन निकाल कर आप इस कंपनी में पैसा जमा कर दो और उसके बाद आपका पैसा मंथली बेस पर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा और उसी पैसे से आप अपनी ईएमआई चुका सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई यही खबर जो है 2 दिन के बाद आ गई, यहाँ पर देखते हो देख सकते हैं आप, मंडे 15 जुलाई 2024 ये खबर 2 दिन के बाद आ गई और खबर ये थी कि भाई चिटफंड कंपनी के नाम पर ग्राहकों से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है, 2.5 करोड़ रुपए की।
ग्राहकों को अपने भरोसे पर लाने के लिए ठगों ने नायाब तरीका जानकर पुलिस भी हैरान है। हैरान इसलिए है कि भाई यूपी समेत कई राज्यों में, ठीक है जी, इसका जाल फैला है और ठगी का शिकार करने वाले लोग जो हैं अब पुलिस के पास जाकर दोस्तों शिकायत कर रहे हैं। चिटफंड कंपनी की तरफ रकम जमा करने वाले जो लोग हैं दोस्तों, उन्होंने जो है ये काम कराया है। सब कुछ बताऊंगा कौन सी कंपनी है, उससे पहले देख लें। अब ये मामला तो देहरादून से निकल कर आया है। ऐसे में एसओ वसंत विहार महादेव बुनियाल, ठीक है, एसओ का नाम है, उन्होंने बताया है कि भाई कोर्ट से आदेश आए हैं कैलासी विजन प्रोड्यूसर कंपनी के जो निदेशक हैं नसीबुद्दीन निवासी जमनपुर सेलाकुई की तरफ केस दर्ज किया गया है। केस क्या है, जिसमें फुरकान निवासी सहसपुर देहरादून और राकेश कुमार उनियाल निवासी, ये बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जो कि इस कंपनी को चला रहे थे, इन सबको दोस्तों जो है पकड़ने के वारंट जारी किए गए हैं। और इसका जो जाल है वो नजीमाबाद, बिजनौर, यूपी, बहुत सारी जगह जो है इनकी शाखाएं हैं और बहुत सारी जगह जो है इनका जो है जाल चल रहा था। जैसे क्या शाखाएं कहाँ कहाँ थी, देहरादून में थी, बिजनौर में थी, नजीबाबाद, चंदक, रायपुर, सादात, नूरपुर, नगीना, कोटद्वार, और इसके अलावा पता नहीं कितनी जगह जो है इनकी शाखाएं थी। सहसपुर, तिपरपुर और सेलाकुई शाखा का निदेशक फुरकान था। सभी शाखाओं से खाते खोलने और ग्राहकों से एकत्र रकम इकट्ठा करने, यानी कि एफडी करने के एफडी करना और उसको मैच्योर राशि या किस्तों में लेने का दोस्तों यहां पर काम धाम करता था, चलता था। नीचे आप देखेंगे तो आपको और भी देखने को मिलेगा, करोड़ों की ठगी के बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई है। और फिलहाल दोस्तों ये कहा गया है कि भाई अब जो है ना इस कंपनी के जो लोग हैं उनको पकड़ कर जो है वो केस किया जाएगा। अब मामला क्या था दोस्तों, यहाँ पर जो भी लोग इस कंपनी में आते थे उनसे कहा जाता था कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना जो है और डॉक्यूमेंट ले आए, फोटो वगैरह ले आए, ठीक है, और आप किसी भी बैंक से लोन निकाल लें, बैंक से लोन निकाल लो और लोन निकालने के बाद उस पैसे को इस कंपनी में लगा दो, और कंपनी में लगाने के बाद हर महीने आपको जो है डबल पैसा मिलेगा, मतलब डबल पैसा मिलेगा और मंथली बेस पर आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो देखो इन्होंने नया तरीका ये सुझाया कि भाई कंपनी में पैसा लगाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, आप बैंक से लोन ले लो। और ये लोग लोन का भी इंतजाम करा देते थे, मतलब बैंक में भेज देते थे सब कुछ करके, भाई उस बैंक में चले जाओ लोन ले लो। अब लोन बैंक को तो देना ही है, बैंक को ये मतलब थोड़ी है कि भाई आप लोन ले रहे हो उसको कहाँ लगा रहे हो। बहुत से ऐसे लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, छोटे मोटे लोन हैं, आप बता रहे हो हम वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ पर आप नहीं लगा रहे, तो भाई इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख लें दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर है आवर्ती जमा यानी कि आरडी और सावधि जमा यानी कि एफडी के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाली फर्जी कंपनी, एक फर्जी कंपनी के निदेशक, ठीक है, गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर है, और कंपनी का नाम है कैलासी विजन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी निकल कर आई है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये जो लोग हैं ना दोस्तों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, इसमें ये भी बताया गया है कि भाई कौन कितना पढ़ा लिखा था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बताया गया है कि भाई धोखाधड़ी करने वाली एक कंपनी के प्रबंधक निदेशक और निदेशक को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि शिकायतकर्ता नरेश चंद्र कुकरेती की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए कैलासी विजन प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक जो हैं, ठीक है, जिनका नाम है कमल भारती नसबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले के नजीबाबाद का रहने वाला भारती बीएपास है, जबकि देहरादून के सेलाकुई का रहने वाला नसबुद्दीन पांचवी पास है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 2018 तक वे जनबंधन निधि नामक कंपनी में एजेंट का काम करते थे। उसके बाद इस कंपनी को बंद कर दिया गया, और कंपनी बंद करने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो है 23 शाखाएं खोली जिसमें 9,000 खाते हैं, जिसमें लोगों ने आरडी, एफडी या डेली इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर दोस्तों पैसा जमा किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर बात करेंगे डेली डिपॉजिट स्कीम और ऋण के नाम पर, तो 28 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए हैं। कुछ ग्राहकों को मैच्योरिटी की रकम भुगतान के बाद अधिकांश लोगों को उनकी रकम वापस नहीं की गई है, जिसमें 110 खाते हैं और 40 लाख रुपए की धनराशि नहीं लौटाई गई है, समझ रहे हो। तो इतना बड़ा दोस्तों यहाँ पर केस देखने को मिला है, ये पूरी डिटेल मैंने आपको दिखा दी है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं, हो सकता है भाई आप बैंक में लोन लेने के लिए जा रहे हों या अपने पैसे को जमा करने जा रहे हों, और बैंक का कोई कर्मचारी ऐसी ही किसी कंपनी के साथ जुड़ा हो और वो आपको ऐसा ऑफर करे और आप सोचें कि यार ये तो बैंक का कर्मचारी है, बैंक में करने वाला जो है व्यक्ति है, तो भाई ये हमारे साथ कहाँ ही जो है धोखा कर सकता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक को ये नहीं पता होता है कि उसके कर्मचारी के मन में क्या विचार है। बैंक जो चलता है दोस्तों वो एक संगठन के माध्यम से चलता है, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो सेफ है, पर बैंक का ही कर्मचारी अगर आपके पैसे को किसी दूसरी कंपनी में डाइवर्ट करा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके साथ जो धोखा होगा उसका जिम्मेदार बैंक नहीं है, उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो आपको ऐसी जगह गलत जगह फंसा रहा है। देखो इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक है कि अगर मान लो आपने किसी कंपनी में पैसा जमा कर दिया, कंपनी बंद हो गई और रातों रात भाग गई, तो भाई ऐसे में तो फिर पता ही नहीं कि क्या होगा आपके पैसे का। और दूसरा केस है कि कंपनी में जो है आपने पैसा जमा किया है, उस कंपनी को पीछे लिए सहारा के बेस तरह अगर बंद किया गया है, तो वहां पर आप लड़ाई लड़ सकते हो, कह सकते हो कि सरकार ने उसको बंद किया है,
तो वहाँ पर आपके पास प्रूफ है, पैसा मिलने की गुंजाइश रहती है। पर अगर कोई कंपनी रातों रात भाग गई तो ना तो भाई आपको पैसा मिलेगा और ना ही कोई गुंजाइश है। तो हमेशा ये ध्यान दें कि बैंक का कर्मचारी हो या किसी भी संस्था का कर्मचारी हो, ठीक है, सरकारी है या प्राइवेट है, अगर पैसा कोई ऐसे ही आपको ये बोल रहा है कि भाई डबल मिल जाएगा, ट्रिपल मिल जाएगा, तो मिलता नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आज की तारीख में आप किसी बैंक में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका पैसा डबल होने में 10 से लेकर 11 साल लग रहे हैं। मतलब 10-11 साल में आपको पैसा डबल होकर मिलता है। और कोई कह रहा है कि भाई 4-5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो भाई जब बैंक ही हमें जो है डबल करके नहीं दे रहे तो वो कहाँ से दे देगा? इसका मतलब वहाँ पर फ्रॉड चल रहा है, आपका पैसा किसी और को, किसी और का पैसा किसी और को डाइवर्ट किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पैसा जो है गायब हो गया। और अगर आपको रिस्क लेना है और पैसा जल्दी से ग्रो करना है तो भाई जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वैसे आप कर सकते हो, यानी कि आप FD कर सकते हो, इसके साथ साथ आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, आप Nifty 50 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये काम आप अपने बैंक से जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपको और रिस्क लेना है तो शेयर मार्केट में Nifty 50 है जैसे, वहां पर आप जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वहां पर आपको थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि भाई मान लो आज पैसा जमा किया, मार्केट अगर डाउन हो गया तो थोड़ा पैसा नीचे आ जाता है, पर एक पीरियड के बाद 5-6-7 साल के बाद वहां पर आपका पैसा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि डबल हो जाए, ठीक है। तो वहां पर भी रिस्क होता है पर आपका पैसा बढ़ता वहीं पर है। पर अगर आप 100% सेफ चाहते हो तो भाई फिर FD कर सकते हो या बैंक में पैसा जमा कर सकते हो। बाकी आपको कहीं पर भी पैसा जमा नहीं करना है, या आपको नहीं मानकर चलना है कि वो बैंक का कर्मचारी है, कोई भी है तो पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा जो है वो सेफ है। ये मैंने आर्टिकल इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि जो व्यक्ति मुझे ये ऑफर कर रहा था वो इसी कंपनी के बारे में बता रहा था, किसी दूसरी कंपनी के बारे में बता रहा था ये मेरे को नहीं पता है। पर क्योंकि जब मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है तो इसीलिए मैंने आपको जागरूक किया कि भाई ये घटना आपके साथ भी हो सकती है और आप फंस भी सकते हैं कि यार बैंक वाला बता रहा है तो ठीक ही होगा। तो भैया बैंक वाला बता रहा है ठीक ही होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बैंक वाला जो बता रहा है वो भी उस कंपनी में जुड़ा हुआ है कमीशन के लिए, वो भी जल्दी पैसा कमाना चाहता है, पर उसको ये नहीं पता कि जिस दिन कंपनी भाग गई उस दिन तेरे साथ क्या हो सकता है, वो इस चीज से अनजान है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपको कहीं पर भी ऐसी जगह पर नहीं जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। जहां पर आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है, वहीं पर आपको जो अपना पैसा निवेश करना चाहिए और जमा करके रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए और वो भी अपने पैसे को सिक्योर कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।